अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक एंड अनदर व्यू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की मेरिट लिस्ट कब लगेंगी और क्या डेट्स हैं उनकी, कैसे कैसे मेरिट लिस्ट लगेंगी, कितनी मेरिट लिस्ट लगेंगी, फुल डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। गाइस अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो 20 अक्टूबर लास्ट डेट एडमिशन की, उसके बाद 21 अक्टूबर को वो सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट लगेगी जिन्होंने अप्लाई किया होगा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन के लिए। वो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके सबके नाम आ जाएंगे कि इन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है। 21 अक्टूबर को वो लिस्ट लगेगी और उसके बाद 22 अक्टूबर को एंट्री टेस्ट होना है जिन डिपार्टमेंट्स का, जिन डिग्रीज का मैंने पहले भी बताया था आपको, वो 22 अक्टूबर को अब टेस्ट लिया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। वो फिजिकल टेस्ट होगा, एंट्री टेस्ट वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जाके आपको देना होगा। उसके बाद जाके फिर वो सारा कैलकुलेट करेंगे सिस्टम, और जो मेरिट लिस्ट पहली मेरिट लिस्ट लगने की डेट जो सामने नज़र आ रही है वो यही है कि नवंबर के स्टार्ट में हो सकता है आपकी पहली मेरिट लिस्ट लग जाए। 1 नवंबर को आपकी पहली मेरिट लिस्ट लग जाए और वो आपने सर्च कर लेना है गूगल पे जाके UOG 1st Merit List 2022, तो वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी, पहली वेबसाइट होगी उसको ओपन करेंगे तो वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद आपने अपना डिपार्टमेंट चेक करना है जिसमें अप्लाई किया हुआ, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग में अप्लाई किया हुआ तो वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपका मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल होगा तो आपने देख लेना है जिसमें अप्लाई किया होगा उसमें आपका नाम आया है या नहीं आया। तो इस तरह मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं, लेकिन जो अभी तक अंदाजे के मुताबिक है वो यही है कि 1 नवंबर से आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। यह भी हो सकता है कि 28 को भी लग सके, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि 1 नवंबर से आपकी पहली मेरिट लिस्ट लग जाएगी। तो अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, अभी तक डेट एक्सटेंड होने के कोई चांसेस नहीं है, 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो यही अगर डेट रहती है फिर अंदाजे के मुताबिक 1 नवंबर से आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। दूसरी मेरिट लिस्ट भी बाद में लगेगी 4-5 दिन बाद, उसके बाद 4-5 दिन बाद फिर तीसरी और 4-5 दिन बाद चौथी और पाँचवीं, इस तरह लग सकती है मेरिट लिस्ट। तो ये सिस्टम होता है मेरिट लिस्ट का। दूसरा, मेरिट लिस्ट का फार्मूला अगर आपने कैलकुलेट करना है तो वो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। मोबाइल ले लेता हूँ मैं, तो आप बात कर लीजिए कि पहली मेरिट लिस्ट अगर आपने कैलकुलेट करनी है कि आपका मेरिट कितना बनना है, तो अब अगर आप एक स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के बेस पर आपका मेरिट बनना है तो मेरिट कैलकुलेट करने का फार्मूला यही है कि फर्स्ट ईयर की बेस पे आपके जितने मार्क्स हैं। अब फर्स्ट ईयर के मार्क्स आपको आइडिया होंगे कि कितने हैं आपके मार्क्स, तो आपने सिंपल यही करना है कि आपके जितने फर्स्ट ईयर में मार्क्स आए होंगे, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के आए हुए हैं 400 मार्क्स, तो आपने कैलकुलेटर ओपन करके 400 मार्क्स लिखने हैं आपने, जितने भी आपके मार्क्स होंगे 400, 350, 300 जितने भी 450 वो आपने लिखने हैं। अब मैंने यहाँ पर 400 मार्क्स लिखने हैं, 400 मार्क्स लिखने के बाद आपने उसको डिवाइड कर देना है डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स फर्स्ट ईयर के। टोटल मार्क्स मेरे ख्याल से 550 भी होते हैं स्टूडेंट्स के, 520 भी होते हैं, 510 भी होते हैं। कुछ ने मेडिकल किया होता है, कुछ ने इंजीनियरिंग की होती है, तो मेडिकल में कुछ ज़्यादा मार्क्स होते हैं, इंजीनियरिंग में थोड़े कम होते हैं। तो इस तरह ये सिस्टम होता है। तो आपने देख लेना है कि आपके फुल मार्क्स कितने हैं, कुछ के 550 होते हैं मार्क्स, कुछ के 520 होते हैं, ICS वालों के भी कुछ 510, 515, 520 तक होते हैं। वो आपको आइडिया होगा आपके टोटल मार्क्स कितने हैं। अब एक स्टूडेंट के मैंने यहाँ पर 400 मार्क्स लिखे हैं और इसके टोटल मार्क्स मैं लगा लेता हूँ 550। इस स्टूडेंट ने कुछ किया होगा, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग की हुई है या कुछ छोड़ किया, तो उसके 550 टोटल मार्क्स फर्स्ट ईयर के बने हैं। तो उसको 400 को डिवाइड कर दिया मैंने 550 पे, तो इसका जो मेरिट बना है वो 72% मेरिट बना है, 400 डिवाइडेड बाई 550, तो 0.72 समथिंग लिखा हुआ, तो 0.72% इसकी मार्क्स की बनी है। तो अब 72% बनी है। अब फॉर एग्जांपल जिसने CS सॉफ्टवेयर IT में अप्लाई किया हुआ है उनका मेरिट का हिसाब लगाया जाए, तो उनका अगर 450 मार्क्स हैं एक स्टूडेंट के, उसको डिवाइड कर लेते हैं 550 में, तो ये 81% मार्क्स बनी है। तो 80% पे मेरिट क्लोज होता है, तो इसका 81% मार्क्स बनी है, तो इसके चांसेस हैं कि CS IT और सॉफ्टवेयर में तीनों में किसी भी डिग्री में नाम आ सकता है। तो इस तरह आप मेरिट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपने फर्स्ट ईयर का मार्क्स जितने आपको मिले हैं उसको आपने डिवाइड कर लेना है टोटल मार्क्स से, तो आपकी परसेंटेज निकलेगी, जो परसेंटेज आपकी निकलेगी वो आपका मेरिट होगा कि मेरा इतना 67% है। तो अगर 67% में मेरिट आता है, नीचे आते हैं, तो तभी मेरा एडमिशन होगा।
अब फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट के सिर्फ 400 मार्क्स हैं और डिवाइड बाई टोटल मार्क्स उसे 550 हैं, 400 डिवाइड बाई 550 तो ये सिर्फ 72% है जिसकी बनी है मेरिट की, इसके परसेंट मार्क्स की इंटर के। तो अब इसकी 72% बनी है और CGS, IT और सॉफ्टवेयर का मेरिट 80% पे आपकी क्लोज हो जाते हैं, 80 से बहुत कम चांसेस हैं कि नीचे आए, 1-2% ही नीचे आएगा, 77 हो जाएगा, 78 तक आएगा, लेकिन इस बच्चे के 72% मार्क्स हुए हैं। अब ये बच्चा अगर CGS, IT और सॉफ्टवेयर में अप्लाई करता है तो इसका तो कोई भी चांस नहीं है कि इसका एडमिशन हो, क्योंकि इसके मार्क्स ही 72% बन रहे हैं। तो इस तरह आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं मेरिट। अब जिनका एंट्री टेस्ट होना है, जिनका मतलब जिन्होंने एंट्री टेस्ट देना है, एंट्री टेस्ट का ये सिस्टम होगा, अब 70% आपके इंटर के मार्क्स होंगे पार्ट वन के और 30% आपके एंट्री टेस्ट के होंगे जो आपने देना जाके 22 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी को जाते हैं। तो 70% वाले ये मार्क्स और 30% वाले वो मार्क्स मिला के आपका कैलकुलेट होगा मेरिट। तो मेरिट इस तरह कैलकुलेट होता है, बाकी अंदाजे के मुताबिक फर्स्ट नंबर से उम्मीद है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग जाएगी, आप भी देख सकेंगे फर्स्ट मेरिट लिस्ट किस बेस पर लगेगी। दूसरा सेकेंड ईयर की बात की जाए, सेकेंड ईयर के मार्क्स आपके पासिंग होने चाहिए, आप हर स्टूडेंट सेकेंड ईयर में हर सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, अगर किसी सब्जेक्ट में वो फेल हो जाते हैं तो उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी गुजरात में नहीं होगा, आपको सारे सब्जेक्ट में एटलीस्ट पासिंग मार्क्स लेने चाहिए। अगर आपके फर्स्ट ईयर में 85% मार्क्स हैं तो वो आपके फर्स्ट ईयर के बेस पर ही आपका एडमिशन होगा, बेशक आपके सेकेंड ईयर में मार्क्स आ जाते हैं टोटल करके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आपके बन जाते हैं 60% बन जाते हैं 70%, तो आपका फर्स्ट ईयर के बेस पे भी होगा 85% रेट पे, लेकिन आपको सेकंड ईयर पे कोशिश करनी है कि आप सेकंड ईयर में हर सब्जेक्ट में पास हों। अगर आपके एक सब्जेक्ट में भी आप फेल हो जाते हैं तो आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में नहीं हो सकेगा, आपको एक साल वेट करना पड़ेगा, एक साल वो सब्जेक्ट रिपीट करके या उसको क्लियर करके दोबारा आना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर एडमिशन के लिए। तो ये था सिस्टम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की, मेरिट लिस्ट कब लगेगी और सेकेंड ईयर के मार्क्स का क्या हिसाब है, सेकेंड ईयर का रिजल्ट अपलोड करना है, यूनिवर्सिटी वालों को इन्फॉर्मेशन हो कि ये स्टूडेंट सेकेंड ईयर में पास है तो इसका एडमिशन लेना है, अगर वो सेकेंड ईयर में पास नहीं है तो वो उसी टाइम उसका रिजेक्ट करेंगे एडमिशन और वो एडमिशन नहीं ले सकेगा। बाकी अंदाजे के मुताबिक यही है कि 1 नवंबर से मेरिट लिस्ट पहले लग जाएगी और उसके बाद 5 दिन बाद दूसरी, 5 दिन बाद तीसरी, इस तरह हिसाब होगा मेरिट लिस्ट का। तो इस वीडियो में यही बताना था कि मेरिट लिस्ट कब लगनी है, होप सो गाइस आपको आइडिया हो गया होगा। इस वीडियो में यही बताना था, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज आपको मिल सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।